गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? ठीक है, हमारी जो सीरीज़ थी, अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ भी और मैथमेटिकल सीरीज़ भी, वो लगभग ओवर हो चुकी हैं। और अब हमें एक नया टॉपिक करना है और उस टॉपिक का नाम है, क्या है? बड़ा ही अनोखा नाम है और उसको बोलते हैं कैलेंडर। क्या बोलते हैं? कैलेंडर। ठीक है, अब जब आप कैलेंडर शुरू कर ही रहे हो तो कैलेंडर में आपको तीन बातों का पता होना चाहिए। और वो पहली बात है सिंपल ईयर। क्या है भाई? सिंपल ईयर। अगला है लीप ईयर, ठीक है, और अगला है वीक। इन सब की नॉलेज आपको होनी चाहिए, उसके बाद आपका कैलेंडर बनेगा। मेरी गारंटी है एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा आपका कैलेंडर में। ठीक है, आशा करता हूं आप लोग सभी ध्यान से सुन रहे होंगे। और एक बात, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर देना भैया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तभी आप लोगों का प्यार मुझे मिल पाएगा और तभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियोज़ को देख पाएंगे। तो आशा करते हैं आप लोगों के लिए हम मेहनत कर रहे हैं तो आप हमारे लिए मेहनत कर दीजिए। ठीक है, तो सिंपल ईयर में क्या होता है? देखो, सिंपल ईयर में, इन अ सिंपल ईयर देयर इज 365 डेज एंड 6 आवर। ठीक है, तो इन अ सिंपल ईयर देयर इज 365 डे एंड 6 आवर। 365 डेज होते हैं और 6 घंटे होते हैं। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। एक सिंपल ईयर में 365 दिन होते हैं और 6 घंटे होते हैं। ठीक है, इन फोर ईयर अगर आप देखोगे तो 6 गुना में 4 कितना हो जाएगा? 24। तो क्या हो जाएगा? 24 hours इंक्रीज हो जाएंगे। इन फोर ईयर 24 hours इंक्रीजेस। ठीक है, जिसके कारण 24 hours जो है वो आपको पता है किसके बराबर होता है? 1 day के बराबर होता है। इसके कारण लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366 days होते हैं। ये पहली बात आप याद रखोगे। ठीक है, सिंपल ईयर में कितने हैं? 365 दिन एंड 6 hours होते हैं। 4 साल में ये आवर मिलकर कितने बना देते हैं? 24 घंटे बना देते हैं। तो 24 घंटे एक दिन के बराबर होता है, तो इसीलिए लीप ईयर में क्या है? 366 डेज होते हैं। लीप ईयर में क्यों 366 डे होते हैं वो याद रखोगे आप। किस लिए 366 डे होते हैं? क्यों? क्योंकि ये 24 घंटे मिलके एक दिन बना देते हैं, इसी के कारण लीप ईयर में कितना होता है? 366 डे होता है। ये बात आप याद रखना। ठीक है, और लीप ईयर इज डिविजिबल बाय 4। ये बात आप हमेशा याद रखोगे। कोई भी लीप वर्ष होगा उसकी जांच करने के लिए आपको 4 से डिवाइड करना होगा। अगर मैं 4 एग्जांपल डाल दूं तो 2020 अगर आप देखोगे, 4 से डिवाइड करोगे, 4 × 20 और 4 × 20 505, रिमाइंडर 0 बचा। तो इसका मतलब 2020 क्या है? एक लीप ईयर है। और हर 4 साल के बाद लीप ईयर क्या कर जाता है? आ जाता है हर 4 साल के बाद। क्यों? क्योंकि आपसे कभी भी कोई पूछ ले तो 1 साल में 6 घंटे फालतू होते हैं, उन 6 घंटों के लिए 4 साल में 24 घंटे बन जाते हैं, और उन 24 घंटे को क्या कहा जाता है? 1 day। इसीलिए लीप ईयर में, ठीक है, अगर मैं देखूं वीक को बाद में बताता हूं मैं अभी, ठीक है, तो लीप ईयर में फरवरी में कितने दिन डाल दिए जाते हैं? 29। और सिंपल ईयर में देखोगे आप तो सिंपल ईयर में फरवरी में कितने दिन हैं? अगर मैं सिंपल ईयर में बात करूं तो फरवरी में कितने दिन होते हैं? 28 दिन होते हैं। ठीक है, तो ये चीज तो रही आपका सिंपल ईयर और लीप ईयर, कि सिंपल ईयर क्या होता है, 365 डे होते हैं और 366 डे होते हैं। ठीक है, अब हमको समझना है एक वीक में कितने दिन होते हैं, उसको अगर हम समझ गए तो हमें ऑड डे का कंसेप्ट आ जाएगा। और ऑड डे का कंसेप्ट आ गया तो मेरी गारंटी है कोई भी क्वेश्चन कहीं से उठा लेना, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ठीक है,
तो इस चीज़ को आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। इतना मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, ध्यान रखना कि सिंपल ईयर क्या है, लीप ईयर क्या है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ सिंपल ईयर और लीप ईयर के बाद, अगर मैं बात करूँ, ठीक है, थोड़ा सा मिटा देते हैं भैया, बिल्कुल ही ब्लैकिश हो गया है, ब्लैकिश हम हैं और ब्लैकिश ही बोर्ड हो गया है, तो ऐसे कैसे चलेगा भाई, ठीक है। कैलेंडर भी मिटा देते हैं। अब हम आपको वीक के दिनों पर लेके चलते हैं, ठीक है। देखो, वन वीक अगर मैं बात करूं, एक सप्ताह की बात करूं, तो 7 डे होते हैं। कितने दिन होते हैं भाई? एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। और 7 दिन भी देखो कैसे, अगर मैं पहला मंडे लिखता हूं तो दूसरा क्या लिखूंगा? ट्यूसडे, ठीक है। तीसरा क्या लिखूंगा? वेडनेसडे, ठीक है। चौथा क्या लिखूंगा? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे क्या लिखूंगा? थर्सडे। 5 क्या लिखूंगा? फ्राइडे। 6 क्या लिखूंगा? सैटरडे। 7 क्या लिखूंगा? संडे। ओहो, बड़ी अच्छी चीज है संडे। और 8वां दिन कौन सा होगा? मंडे। मतलब क्या है? मतलब क्या है आप कैसे ही सोच लो, मतलब अगर पहले तारीख को मंडे है तो 8 तारीख को भी क्या होगा? मंडे। मतलब 7 दिन के बाद आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कैसे ही लगा लो, बड़ा कंफ्यूजन होता है। इस डे को इंक्लूड मत करो, आगे वाले दिन गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सातवां दिन क्या होगा? मंडे ही होगा, अगर आप एक को इंक्लूड नहीं करते। एक और नीचे से गिनना शुरू कर दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सातवां दिन क्या होगा? मंडे। ये बात क्लियर रखना कि हर 7 दिन के बाद डे क्या कर जाता है? रिपीट कर जाता है, ठीक है। डे विल रिपीट आफ्टर 7 डेज। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख दिए हैं कि 7 दिन के बाद वो डे रिपीट कर जाता है। मतलब मैंने लिखा 1 जैन को मंडे है, 1 जैन को मंडे है, तो 8 जैन को मुझे बताओ क्या होगा। तो आप कैसे निकालोगे? इस डे को इंक्लूड नहीं करना, तो 8 में से 1 घटा दो, कितना बच गया? 7। कितना बच गया भाई? 7। अगर 7 है तो इसका मतलब हफ्ता पूरा कंप्लीट हो चुका है और 8 जैन को भी क्या कहलाएगा? मंडे। अभी तक तो मैं ये चीज सिर्फ सिंपल बता रहा हूं कि अगर 1 तारीख को आपके सामने था कि 1 तारीख को अगर मंडे है तो 8 को भी मंडे होगा, लेकिन इसके पीछे अब आपको कंसेप्ट सीखना है कि क्या है, ठीक है। हर 7 दिन के बाद हमको क्या मिलता है? रिपीट मिलता है। क्या रिपीट मिलता है भाई? दिन रिपीट मिलता है, ठीक है। तो मैं ऑड डेज को निकालने के लिए, ठीक है, टू फाइंड ऑड डेज, याद रखना, टू फाइंड ऑड डेज, ठीक है, वी डिवाइड एनी नंबर बाय 7। याद रखना भाई कि ऑड डे को निकालने के लिए आपको डिवाइड करना होगा किससे? 7 से। क्यों? उसके पीछे की कहानी मैं आपको बता चुका कि हर 7 दिन के बाद चीज क्या कर जाती है? रिपीट कर जाती है। जैसे अगर आप देखोगे, अगर मैं आपको यहां से थोड़ा सा साल की तरफ लेके चलूं, इतनी बात क्लियर हो गई, डे 7 दिनों के बाद रिपीट करता है। तो ऑड डे को निकालने के लिए, ऑड डे का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ऑड डे को निकालने के लिए आपको किससे डिवाइड करना होगा? 7 से। तो आप इतनी बात याद रखेंगे। जैसे अब मैं निकालूं कि 1 साल में ऑड डे कितना होगा, मिटा दूं, मिटा देता हूं, ठीक है। इतना तो समझ में आ ही गया कि ऑड डे को निकालने के लिए 7 से आप डिवाइड करोगे। इसके बाद अगर आप देखते हो, वन सिंपल ईयर में 365 डेज होते हैं। मैंने कहा इसके ऑड डे निकालो, इसके क्या निकालो? ऑड डे। ऑड डे निकालने के लिए क्या करोगे आप? 365 को किससे डिवाइड करोगे? 7 से। तो 7 5 35 और 7 2 14, रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर बचा 1। तो ये जो 1 है,
इसको क्या बोलते हैं? ऑड डे बोलते हैं। ठीक है, तो हर साल का ऑड डे कितना होता है? एक। हर साल का ऑड डे कितना होता है? एक होता है। मैं ऑड डे बताऊंगा अभी किस तरीके से आपने गिनना है। ठीक है, तो एक साल का ऑड डे कितना है? वन। अगर वन लीप ईयर का ऑड डे निकालना हो तो कितना होगा? 366। ऑड डे कितना होगा? 366 बटे 7 कितना हो जाएगा? 7 5 35, 7 2 14। रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर बचा 2। तो ऑड डे कितने हो गए? ऑड डे कितने हो गए भाई? 2। तो यहां तक तो आपका बेसिक है भैया, बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है। गर्मी बहुत है भैया, थोड़ा सा मुंह पूछ लें। ठीक है, क्या कहते हो? पूछ लेते हैं भाई। ठीक है, क्लियर। तो इस बेसिक को आप अच्छे से करो कि एक साल में 365 दिन हैं। ठीक है, तो ऑड डे कितने होंगे? ऑड डे कितने होंगे? एक होगा। जब आप क्वेश्चंस करोगे तो बड़ी आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा। एक लीप ईयर में 366 डे, तो ऑड डे कितना हो गया? ठीक है, कितना ऑड डे हो गया? 2 ऑड डे हो गया। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं और आपको फिर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से मैं कहानी कर रहा था। ठीक है, तो मैं मिटाने के लिए कुछ चीज ले लेता हूं बच्चा। ठीक है, तो बड़ा परेशानवा हो गए हैं हम लोग भी कि मिटता ही नहीं है। अब तो इतनी इंक डाल दिए हैं कि अब यह आपको पता चल गया कि हर साल का ऑड डे कितना होता है? 1। और लीप ईयर का ऑड डे कितना होता है? 2 ना होता है। चलिए, हर तरह के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। जैसे मैं आपको देता हूं फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आप सीरियल वाइज करते जाएं। 1 जनवरी 2012 को क्या है? संडे। अगर 1 जनवरी 2012 को संडे है तो 28 जैन को क्या होगा? 28 जैन 2012 को क्या होगा? अब आप इस क्वेश्चन को बड़ा हिसाब से निकालें। ठीक है, कुछ नहीं करना, हमने ऑड डे का कंसेप्ट खेलना है। मुझे पता है हर 7 दिन के बाद क्या कर जाता है? रिपीट कर जाता है। तो या तो आप वही लगा लो कि 1 के बाद 8, 8 के बाद 15। 1 के बाद कितना होगा 8, 8 के बाद कितना होगा 15, 15 के बाद कितना होगा 22, 22 के बाद कितना होगा 29, 29 को रिपीट करेगा संडे। समझ रहे हो ना कि क्या कह रहा हूं मैं? 1 के बाद 7 दिन बाद रिपीट कर जाता है। या तो आप लिख लो इसको, ठीक है, कि 1 के बाद संडे आ गया भैया, 1 के बाद मुझे पता है हर 7 दिन बाद, 1 में 7 जोड़ दो 8, 8 को क्या होगा? ठीक है, संडे होगा। 8 में 7 जोड़ दो कितना? 15, 15 को संडे होगा। 15 में 7 जोड़ दो कितना होगा? 22, 22 को संडे होगा। 22 के बाद 7 जोड़ दो 29, 29 को संडे होगा। लेकिन 28 को फिर क्या हो जाएगा? सैटरडे। समझ गए आप? लेकिन हम लोग ऑड डे के कंसेप्ट से करेंगे। अगर ऑड डे वाला कंसेप्ट आप देखते हो तो 28 में से 1 माइनस कर दो कितना रह गया? 27। अब इस 27 को किससे डिवाइड करो? 7 से। समझ रहे हो ना? 7 से डिवाइड करोगे तो जो हफ्ते रिपीट हो रहे हैं वो तो खत्म ही हो जाएंगे। क्योंकि एक बात बताओ ना, हर 7 दिन के बाद रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो आप उस चीज को समझ लो। तो 7 से कितना? 7 3 21। लेकिन रिमाइंडर बचा कितना? रिमाइंडर बचा 6 दिन बच गए, पूरा डिवाइड नहीं हुए। इसी को बोलते हैं ऑड डे। अब इन 6 दिनों के हिसाब से आप अपना हिसाब लगाओगे कि अगर 1 तारीख को संडे था तो 6 दिन बाद क्या होगा? 6 और 1 7 प्लस मत कर देना भैया, गिन लेना। संडे है, संडे के बाद क्या होगा? संडे के बाद क्या होगा? मंडे। मंडे के बाद क्या होगा? ट्यूसडे। ट्यूसडे के बाद क्या होगा? वेडनेसडे। वेडनेसडे के बाद क्या होगा? थर्सडे। 4। थर्सडे के बाद क्या होगा? फ्राइडे। 5वां और 6ठा क्या है? सैटरडे। तो क्या दिन होगा? उस दिन होगा सैटरडे। गिन लो भैया। ठीक है, मंडे है, मंडे के बाद अगला क्या आएगा आपका? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, सॉरी, संडे था तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। मतलब 6ठा दिन क्या होगा? सैटरडे होगा। अगर 1 जनवरी 2012 को संडे है तो आपने कुछ नहीं करना। मैं कह रहा हूं दिमाग बहुत ज्यादा घूमेगा,
आप अगर 7-7 दिन के हिसाब निकाल लोगे तो भी आपका निकल जाएगा, लेकिन आपको कुछ नहीं करना, 7 दिन वाला कंसेप्ट ही नहीं करना। 28 में से एक घटाना है, 28 में से एक घटाया कितना बना 27, 27 को 7 से भाग करो कितना आएगा 3 आएगा, 3 से पूरा पूरा डिवाइड होता है और रिमाइंडर कितना बचेगा 7 या 21 होता है, रिमाइंडर कितना बचा 6। अब 6 है तो गिन लो, संडे था, 1, 2, 3, 4, 5, 6 छठा दिन कौन सा होगा सैटरडे, 7वां दिन तो फिर संडे हो जाएगा, 7वां दिन तो फिर संडे हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। तो वो डे इंक्लूड ना करके आप आगे वाले दिन गिन लो, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया इतना। चलें दूसरे क्वेश्चन पर, 1 जनवरी को, अभी तो आपने बोला कि एक ही महीने के अंदर पूछ रहे हो आप सर, ठीक है, अभी हम अगले महीने की भी बात कर लेते हैं, चलिए, अच्छा जी, ठीक है। अब 1 जनवरी 2012 को ही संडे है तो आप मुझे बताइए 25 फरवरी को क्या दिन होगा, 25 फरवरी 2012 को क्या होगा, निकाल दीजिए भैया, निकाल दीजिए 25 फरवरी 2012 को क्या होगा। अब देखिए 1 जनवरी है, 1 जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 होते हैं, उस 31 में से एक माइनस कर दीजिए कितना बच गया 30, ठीक है, 31 में से एक दिन क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए कितना बच गया 30 बच गया 30, और आगे कितने दिन हैं 25 दिन हैं, 30 और 25 प्लस कीजिए और 7 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो काटेंगे कैसे आप, इसको सीधा काटें, 7 चौक 28, 2 और डे लिख दें सीधा, और 7 तिया 21, 7 तिया 21 रिमाइंडर बचा 4, तो 4 और डे लिख दें, तो 2 और 4 कितने और डे हो गए, और डे हो गए 6, मैंने डायरेक्ट काट दिया, प्लस करने की जरूरत नहीं है, याद रखना जो रिमाइंडर है वो आप लिखोगे, 7 चौक 28 होता है, 2 रिमाइंडर बच गया, और 7 तिया 21 4 रिमाइंडर बच गया, 6 और डे आ गए, कितने और डे आ गए भाई 6 और डे आ गए, आगे ये 7 से डिवाइड नहीं होता, अगर 6 और डे आ गए तो संडे, फिर तुम्हें पता है कि संडे है तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ठीक है। तो इस दिन भी क्या होगा, मतलब 25 फरवरी 2012 को भी क्या होना है, 25 फरवरी 2012 को भी क्या होना है सैटरडे, ठीक है, क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है, हाँ जी क्लियर है क्या, ठीक, बिल्कुल क्लियर हो गया शायद, मैं उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल क्लियर हो रहा है आपको, ठीक है। हम हर साल का निकालते जाएंगे ऐसे ही और मेहनत करते जाएंगे, ठीक है, अच्छा जी। अब आप निकालो 1 जनवरी 2012 को संडे है तो 31 दिसंबर 2012 को 2012 को 2011 कर दो, ये लीप वर्ष चल रहा है, ठीक है, 2011 का नहीं लेते हम, ठीक है, 2011 कर दो, तो 31 दिसंबर 2011 को क्या होगा, निकालिए भैया क्वेश्चन, बड़ा आसान है, लीप ईयर वाला भी हम करेंगे भैया, सब कुछ करेंगे, आज ही करेंगे, जितनी बड़ी वीडियो हो जाए चाहे, बाद में मौका नहीं मिलेगा। 1 जनवरी और 31 दिसंबर, देखो वैसे तो मैं आपको एक सिंपल बात बता दूं, लास्ट में बताऊंगा कि कैसे, अगर 1 जनवरी 2011 को संडे है तो 31 दिसंबर 2011 को भी संडे ही होगा, 31 दिसंबर 2011 को भी क्या होगा संडे ही होगा। अब ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने डायरेक्ट निकाल लिया, ठीक है, कि 1 जनवरी और 31 दिसंबर, मतलब एक साधारण वर्ष में अगर 1 जैन को संडे है तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा संडे ही होगा। लेकिन हम इस चीज़ को निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखो, ठीक है, कैसे निकालोगे आप, निकालो भैया, अच्छा जी, अभी आप जनवरी के दिन गिन लो 31 में से एक क्या कितना होता है 30 होता है, कितना होता है 30, ठीक है। फरवरी के कितने दिन है भैया, लीप ईयर चल रहा है नहीं, साधारण वर्ष है तो 28 दिन, ठीक है। अगला कितने पर है भैया 31, ठीक है, मार्च 31 का है, अप्रैल कितने का है 30 का, मार्च अप्रैल मई कितने का है 31 का, जून कितने का है 30 का, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, ठीक है, अक्टूबर, अगर आप अक्टूबर देखोगे तो अक्टूबर है 31, नवंबर फिर 30, और दिसंबर की 31 तो मैंने आपको दे ही दी, ठीक है। तो इसको 7 से डिवाइड करिए तो देखिए आपका क्या आंसर आता है, ठीक है।
आप डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आंसर क्या होगा। करिए एक बार। मैंने क्या कहा था, डिवाइड करना है, ऑड डे लिखना है सीधा। तो 30 कितना, 7 चौक 28, 2 ऑड डे बच गए, प्लस 7 चौक 28, 0 ऑड डे, 3 ऑड डे, 2 ऑड डे, 3 ऑड डे, 3 ऑड डे, 3 ऑड डे, 3 ऑड डे, 2 ऑड डे, 3 ऑड डे, 2 ऑड डे और 3 ऑड डे। ठीक है, फटाफट प्लस करो, 2 और 3 5 और 2 7, इसको तो खत्म ही कर दो, 7 खत्म हो गया। 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 3 17, 17 और 2 19, 19 और 3 22 हो गया। 19 और 3 कितना हो गया, 22। 3 और 2 5, 5 और 2 7, 1 बार तरीक देख लो इस क्वेश्चन को भैया, कहीं गलती ना हो गई हो। ठीक है, 1 जनवरी कितने दिन, 31 में से 1 माइनस कर दिया है क्योंकि 1 जनवरी दिया हुआ था, तो 30 हो गया। 7 चौक 28 होता है, 2 ऑड डे बचेगा, 7 चौक फिर 28 होता है, 0 ऑड डे बचेगा। मार्च में 31 दिन हो गए। ठीक है, मार्च के बाद अगला क्या आता है, अप्रैल, अप्रैल में फिर 30 दिन है, अप्रैल के बाद मई, मई में कितने दिन है, 31 दिन। मई के बाद जून में कितने हैं, 30 दिन, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में कितने होते हैं, 30 दिन होते हैं, अक्टूबर में कितने होते हैं, 31 दिन होते हैं, नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो 7 से काटो, 7 चौक 28 होता है, 2 ऑड डे बचा, 7 चौक 28 होता है, 0 ऑड डे बचा, 7 चौक 28 होता है, 3 ऑड डे बचा, यहाँ कितना बचेगा, 2, यहाँ कितना बचेगा, 3, यहाँ कितना बचेगा, 3, सॉरी, 30 का था तो 2 बचेगा, 30 का था तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, 31 का 3, 30 का 2, 31 का 3 और 30 का 2 और 31 का 3, समझ रहे हो, ये ऑड डे हैं। क्या है भाई, ऑड डे मतलब काटने के बाद शेषफल जो बचा है वो मैंने लिखा है। अब इसको गिन लो कितना है, 2 2 4 2 और 3 5 और 2 7, इसको तो मैंने खत्म ही कर दिया क्योंकि 7 से कट जाएगा, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18, 18 और 3 कितना हुआ, 21 ऑड डे बचा। फिर इसको 7 से भाग कर दो, 7 तिया कितना हुआ, 21। रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर 0 बचा। अब रिमाइंडर 0 बचा तो 0 रिमाइंडर है तो कोई दिन प्लस नहीं होगा, तो 31 दिसंबर 2011 को क्या मिलेगा, संडे ही मिलेगा। समझ गए किस तरीके से आप निकालते हो 1 जनवरी और 31 दिसंबर का, कि 1 दिसंबर, अगर 1 जनवरी 2011 को मैंने संडे बोला तो 31 दिसंबर 2011 को क्या होगा, आपको हमेशा याद रखना है कि वो कितना होगा, वो होगा सेम डे, बिल्कुल सेम डे होगा, याद रखनी है ये बात बच्चा। ठीक है, तो मैंने आपको निकाल के भी दिखा दिया कि किस तरीके से आप ऑड डे का कंसेप्ट निकाल सकते हो। दोबारा से सुन लो, आपने महीने लिख दिए, 7 से डिवाइड कर दिया, ऑड डे आ गए ऊपर, उनको गिन लिया। ऑड डे क्या होता है, रिमाइंडर। ऑड डे क्या होता है, रिमाइंडर। हम ऑड डे क्यों लेते हैं, क्योंकि हर 7 दिन के बाद, हर सप्ताह के बाद आपका दिन रिपीट कर जाता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था, क्लियर। कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हो ऐसे बच्चा, क्लियर है। तो 31 दिसंबर 2011 को संडे होगा। ठीक है, अब मैं आपको बोलूं 1 जनवरी 2011 और 31 दिसंबर 2011 को संडे है, तो अगर मैं आपको बोलूं 1 जनवरी 2011 को मंडे था, तो 1 जनवरी 2012 को क्या होगा, को क्या होगा, ध्यान से पूरी वीडियो अच्छे से देखनी है बच्चा। तो अगर 31 दिसंबर तो क्या था भैया, अगर 1 जनवरी से 31 दिसंबर लेते हो तो बिल्कुल क्या हो रहा था, अगर 1 जनवरी को संडे था तो 31 दिसंबर को भी क्या था, संडे था। अब 1 जनवरी 2011 से आप कहां जा रहे हो, 1 जनवरी 2012, तो हमेशा याद रखना 365 दिन बैठते हैं ये, कितने बैठते हैं, 365 दिन। अब 365 दिन है तो ऑड डे, एक ऑड डे है, तो इसीलिए 1 जनवरी 2012 को क्या होगा, एक दिन प्लस कर दो मंडे में, क्या कर दो, एक दिन प्लस कर दो तो क्या हो जाएगा, ट्यूसडे।
तो इस बात को आप अच्छे से समझ लें कि जब आप 1 जनवरी 2011 को क्या कर रहे हैं, मंडे है आपका 1 जनवरी 2011 को, तो 31 दिसंबर को तो क्या होगा, सेम डे। 31 दिसंबर को क्या होगा, सेम डे होगा। लेकिन अगर मैं 1 जनवरी 2011 से 1 जनवरी 2012 का पूछ लूं तो वो फिर क्या मिलेगा आपको, 2012 को क्या मिलेगा, मंडे ना मिलकर क्या मिलेगा, एक दिन प्लस हो जाएगा क्योंकि 365 दिन होते हैं और एक साल कंप्लीट हो चुका। 1 जनवरी से लेके 1 जनवरी तक कितना कंप्लीट हो गया, एक साल, मतलब 365 दिन कंप्लीट हो गए और 365 दिन का एक ऑड डे होता है, इसीलिए मैंने एक ऑड डे जोड़ दिया और क्या बना दिया, ट्यूसडे। मतलब आपका कोई भी वर्ष चल रहा है तो 1 जनवरी से कब तक चलता है, 31 दिसंबर तक, सेम सेम दिन होगा। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए, इतना अगर क्लियर हो गया तो मैं अगले क्वेश्चन पर बढ़ूं। बहुत सारे क्वेश्चन हम कर लेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, बहुत सारे हम क्वेश्चन करके या बना के हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, ये बात आप याद रखना। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इंतज़ार करिए, क्लियर, ये क्वेश्चन देखिए। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा। हाँ बच्चा लोग, समझ में आई गवा रे, इतना समझ में आई गवा आप लोगों के कि 1 जनवरी 2011 को संडे है तो 31 दिसंबर को क्या होगा। तो याद रखना, मतलब कोई भी अगर एक वर्ष चलता है तो वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, मतलब वो एक दिन पहले कम करके रखते हैं, क्योंकि अगर 365 पूरे होते हैं तो एक ऑड डे, मतलब एक दिन फालतू हो जाता है। ये बात याद रखें, देखो 1 जनवरी 2011 को मंडे है तो 2012 को क्या होगा, अभी मैंने आपको पूरा निकाल के दिखाया। ठीक है, संडे का आपको निकाल के दिखाया कि संडे का किस तरीके से संडे आया था, जीरो ऑड डे था, लेकिन 1 जनवरी से 31 तक तो क्या होगा, जीरो ऑड डे, लेकिन आगे क्या हो गया, 1 जनवरी। तो ऑब्वियस ही बात है ना कि 1 जनवरी से 1 जनवरी माइनस भी करोगे तो कितने, 365 दिन, मतलब एक ऑड डे, और एक ऑड डे कितना होगा, ट्यूसडे बनेगा। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना, क्लियर, आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दोबारा से ले लेते हैं थोड़ा सा, चलिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अच्छा जी, अब और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो, अच्छा मैं एक ही जनवरी ले रहा हूँ हमेशा, तो 5 जनवरी ले लेता हूँ। 5 जनवरी 2013 को संडे है, 5 जनवरी 2013 को अगर संडे है तो 25 फरवरी 2014 को क्या होगा, निकालिए तनिक। अब देखिए, मैंने क्या बताया था आपको कि अगर आप 5 जैन लेते हो, 5 जैन, अगर 5 जैन 2013 लेते हो तो 4 जैन 2013 को क्या होगा, अगर 5 जैन को संडे है तो 4 जैन को भी क्या होने वाला है, संडे होने वाला है। ऑब्वियस ही बात है, एक दिन कम करके ले लो, सीधी सी बात है भैया, क्योंकि इसमें कितने दिन बैठेंगे, 364 दिन बैठेंगे, कितने दिन बैठेंगे भाई, 364 दिन बैठेंगे, और 364 दिन में कोई भी ऑड डे नहीं होता। ठीक है, याद रखना 364 हफ्ते होते हैं, एक साल में कितने हफ्ते होते हैं, अगर मैं देखूंगा 365 है, 365 को 7 से डिवाइड करूं, 7 5 35, और कितना बचा, 7 2 14 और एक दिन बचा, तो 52 हफ्ते होते हैं, ये बात आप याद रखें। ठीक है, उसके बाद एक ही दिन बच जाता है, वो कुछ भी हो सकता है, 52 दिन तो रिपीट करते हैं, मतलब 52 दिन तक तो आप रिपीट ही करते रहे। ठीक, तो 5 जनवरी 2013 है तो आपका 4 जनवरी 2013 को क्या होगा, संडे है तो संडे ही होगा। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से 1 जनवरी से 31 दिसंबर आप लेते हो, वैसे ही 5 जनवरी 2013 आपने लिया तो फिर क्या लोगे, 4 जनवरी 2014 को बिल्कुल सेम डे होगा, सेम डे। ठीक है, इसमें भी 1 जनवरी से 31 दिसंबर भी बिल्कुल क्या करेगा, सेम डे। ठीक, लेकिन अगर एक दिन आप फालतू लेके चलते हो, आप अपने दिमाग से चलो, कोई बात नहीं, अगर 5 जनवरी 2013 को संडे है तो मैं अपने हिसाब से निकालता हूं कि किस तरीके से मैं ये क्वेश्चन निकालने वाला हूं। ठीक है, देखिए आप एक बार,
कि 5 जनवरी 2013 को संडे है, तो 5 जनवरी 2014 को क्या होगा? एक दिन फालतू हो जाएगा, संडे है तो कितना होगा? मंडे। ये बात आपको क्लियर है कि 5 जनवरी है, एक ऑड डे हो जाएगा, ठीक है, एक ऑड डे हो गया तो फिर कितना होगा? मंडे होगा। अगर 5 जनवरी 2013 को संडे है तो 5 जनवरी 2014 को मंडे होगा। अब आप निकाल सकते हो 2014 का, आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। आप 25 फरवरी का निकालना है, तो 5 जनवरी है तो 5 जनवरी में से कितने 31 दिन होते हैं जनवरी में, 31 में से 5 घटा दो, 31 में से 5 घटाया तो कितना बचा? 26 बचा, 26 दिन ये और 25 दिन ये, और बटे क्या कर दो? 7। ऑड डे काटोगे कितने पे कटेगा? 7 या 21, 5 ऑड डे, और 7 या 21 कितने ऑड डे? 4 ऑड डे। 5 और 4 कितना होता है? 9। दोबारा 7 से भाग करो, जब तक 7 से कटेगा 9, 7 एकम 7, रिमाइंडर बचा 2। रिमाइंडर कितना बचा? 2 बचा ना, 7 एकम 7, रिमाइंडर 2 बचा। अब 2 ऑड डे हो गए, तो अगर 5 जनवरी को संडे था तो संडे लिख के पहले क्या करोगे? मंडे। मंडे के बाद अगला क्या करोगे? ट्यूसडे। तो आपका 25 फरवरी को क्या होगा? ट्यूसडे होगा, ठीक है। निकालना आ रहा है, समझ में आ रहा है भैया? बहुत अच्छे से, एक दो साल का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बड़ी आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। क्लियर है कि 5 जनवरी 2013 को संडे था, 25 फरवरी 2014 को क्या होगा? तो आप पहले 5 जनवरी 2014 का निकाल लो, ठीक है, और उसके बाद अपना आप काम कर लो, ठीक है। और क्वेश्चन करते हैं, आइए। बहुत सारे क्वेश्चन हैं हमारे दिमाग में, चलते रहेंगे भैया, आप भी बढ़ते रहो आगे। बहुत आसान सा टॉपिक है, दोबारा मिटार देते हैं हम इसको। बहुत ज़्यादा ही क्या है, गर्मी है भैया, गर्मी ने तो तहलका मचा रखा है भैया, गर्मी तो इतनी, सोचा नहीं कि गर्मी इतनी हो जाएगी, बिल्कुल भर गए हैं पसीने में, ठीक है। अभी ये कहानी समझ में आ रही है तो करते चलो भैया। चलिए अभी एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं आपको। 5 फरवरी को मंडे है, तो 25 सितंबर को क्या होगा? अब आपके दिमाग में आ रहा है 25 सितंबर, 5 फरवरी क्या 2011 लिख लो, 2011 लिख लो, अभी तक तो हम लीप ईयर में घुसे ही नहीं, तो इसको कैसे निकालोगे भैया? 5 फरवरी है, पहले ये चेक करो लीप ईयर है या नहीं, नहीं है, 4 से भाग नहीं हो रहा तो लीप ईयर नहीं है, तो फिर साधारण वर्ष है। कितने हैं फरवरी में? 28 दिन होंगे, 28 में से पहले 5 माइनस कर दो, कितना बचा? 23 बचा। कितना बचा भाई? 23, ठीक है। अब इसका तो 23 समझ में आता है, ठीक है, 23 लिख लो। आपको अगर ऑड डेज याद करने आ जाएं तो बड़ी आसानी से याद करो, देखो अपने दिमाग में ही 23 है, अगला महीना कौन सा है फरवरी के बाद? मार्च। मार्च में दिन कितने होते हैं? 31। ऑड डे कितने होंगे बताओ? 3 होंगे, 7 चौक 28 होगा 31, मतलब 31 है तो ऑड डे कितने होंगे? 4 से कटेगा 28 हो जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर बचेगा 3 ना, तो 31 में 3 होता है, 30 में 2 होता है, बस इतनी बात याद रखो। तो मार्च में 3 हो गया, मार्च के बाद किस में जाओगे? अप्रैल में, अप्रैल में 30 दिन होते हैं तो 2 हो गया, मार्च अप्रैल मई, मई में फिर 31 होता है तो कितना हो गया? 3। मई के बाद जून, जून में फिर कितना होता है? 30, तो 2 हो गया। जुलाई अगस्त में फिर क्या होता है? 3-3 होता है, ठीक है, 31-31 होता है, जून जुलाई अगस्त। सितंबर, सितंबर का भी बताना है तो सितंबर का 25 दिन जोड़ दो यहाँ, बटे कितना हो गया? बटे हो गया 7। ये ज़्यादा बड़ा, इसको काट लो, 7 पे कितने पे कटेगा? 7 या 21, 2 ऑड डे आ जाएंगे, ये भी काट दो, 7 या 21, ऑड डे कितने आ जाएंगे? 4। अब गिन लो इनको, 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 तो खत्म ही कर दो, छोड़ो 7 को, तो 7 तो पूरा ही कटेगा। आगे गिन लो, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 4 15, 15 बचा बाय 7, कितना? 7 दुनी 14, रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर बचा 1। अब एक ऑड डे आ गया, रिमाइंडर जो बचता है वो ऑड डे होता है। अगर एक ऑड डे है तो मंडे है, तो मंडे से अगला दिन क्या होगा?
मंडे से अगला दिन होगा ट्यूसडे, तो 25 सितंबर 2011 को क्या होने वाला है, ट्यूसडे होने वाला है। ठीक है, तो पूरे साल का किसी चीज़ का भी निकाल लो, बड़ी आसानी से आप निकाल लोगे। अब थोड़ा दूर लेके चलते हैं इसको, फिर मैं बैक वाले बताता हूँ कि कैसे आपने निकालना है। ठीक है, मिटा दूँ इसको भी। चलिए, ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा आपको कि कैसे निकालना है। मैंने डायरेक्ट ऑड डेज लिख दिए महीनों के। ठीक है, तो महीनों के ऑड डे आपको याद ना करने पड़े, आप कैसे याद करोगे। देखो कि जनवरी में कितने दिन होते हैं, जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31। ऑड डे कितने होंगे, 3। जन के बाद फैब, फैब में कितने दिन होते हैं, 28। ऑड डे कितने होंगे, 7 + 21 = 28। 0 ऑड डे होंगे। फरवरी के बाद मार्च, मार्च में 31 दिन होते हैं, 3 ऑड डे होते हैं। अप्रैल में 31 नहीं 30 होता है, 2 ऑड डे होते हैं। अप्रैल के बाद मई, मई 31 है तो कितने ऑड डे होंगे, 3। जून 30, ऑड डे होंगे 2। जुलाई 31, ऑड डे 3। अगस्त में 31, 3। सितंबर 30 का होता है, 2। अक्टूबर 31 का होता है तो ऑड डे 3 हो गया, 7 + 28 = 3। ये बात याद रखना भाई। नवंबर फिर 30 का, ऑड डे 2 हो गया, और दिसंबर 31, ऑड डे 3 हो गया। ठीक है, क्लियर। वन ईयर का ऑड डे कितना होता है, वन सिंपल ईयर का ऑड डे कितना होता है। ऑड डे समझ रहे हो ना भैया, 7 दिन के बाद दिन रिपीट कर जाता है, तो एक साल का एक ऑड डे होता है। वन लीप ईयर का ऑड डे कितना होता है, 2 होता है। क्यों, क्योंकि 366 दिन बटे 7, तो 52 हफ्ते प्लस 2 दिन बैठता है। इसमें क्या बैठता है, 52 वीक प्लस 1 डे बैठता है। ठीक है, 52 वीक प्लस 1 डे बैठता है, आ रहा है भाई, 52 दिन और एक हफ्ता बैठता है। ठीक है, तो ये ऑड डेज हैं, आप इनको याद कर सकते हैं। इनकी कोई मैं ट्रिक नहीं बना रहा, क्योंकि जो अगला टॉपिक है वो पूरा ट्रिक पर चलेगा, तो इसीलिए जो कल का टॉपिक रहेगा डायरेक्ट आप दिन निकालोगे, लेकिन ये आपको जब दिन गिवन होता है तो आपको इस तरीके से क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है, तो अभी साल वाला ही करते हैं, क्लियर है ना। तो ये ऑड डे बना लें और आसानी से क्वेश्चन निकाल लें। ठीक है, ऑड डे आप लिखें और आपका क्वेश्चन खत्म, क्लियर। उसके बाद अब आओगे आप किस पर। हाँ जी, एक क्वेश्चन आपको करवाते हैं। ठीक है, 25 दिसंबर 2011 को संडे है, तो आप हमें 5 जनवरी 2015 को निकाल के दिखाइए क्या होगा। अब बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 25 दिसंबर 2011 को संडे है तो 5 जनवरी 2015 को क्या होगा। अब आपको थोड़ा सा ध्यान करना होगा, क्वेश्चन करते वक्त थोड़ा सा ध्यान देना होगा बच्चा। 25 दिसंबर पहले तो इस 2011 को कंप्लीट करो, कितना होगा, 31 दिन होता है, 31 में से 25 माइनस कर दिया, कितना हो गया, 6। ठीक है, 6 ऑड डे हैं इस साल के। ठीक है, अच्छा 2011 लिख लिए हैं भाई, 2011 के ऑड डे कितने हो गए, 6 प्लस 2012, एक साल का क्या बताया था मैंने, एक ऑड डे बताया था, आपको 2015 तक जाना है, लेकिन 2012 ये देख लेना लीप वर्ष है या नहीं, लीप वर्ष है, 4 × 5 = 20, 4 × 3 = 12, तो पूरा 4 से कटता है, तो ये लीप वर्ष है, तो इसके ऑड डे कितने होंगे, 2 2012 के। 2013 के कितने होंगे ऑड डे, 1। ठीक है, 2014 के ऑड डे कितने होंगे, फिर 1। ठीक है, 2014 का भी एक ऑड डे हो गया, लेकिन अब आप 2015 में आ गए, 2014 31 तक आप फाइनल कर चुके, 31 के बाद अब 5 जन, तो कितने दिन हो गए भैया, 5 ऊपर हो गए। ठीक है, तो अब आप आसानी से निकाल लोगे, समझ में आ गया, आई होप समझ में आ गया होगा। सालों का भी कैसे नंबर ऑफ ऑड डे लेते हैं, हर साल का एक नंबर ऑफ ऑड डे है,
25 दिसंबर 2011 को संडे है तो 5 जनवरी 2015 को क्या होगा, जल्दी बताओ। 31 में से 25 माइनस 6, 6 लिख दिए हैं, ऑड डे हैं, ये 6 ऑड डे हैं अभी, या 6 दिन हैं, ऑड डे पे मैं नहीं गया, अभी सिर्फ 6 दिन हैं जो बचे हुए थे, 7 से भाग नहीं हो रहा तो ऑड डे ही हैं। अच्छा 2012 के ऑड डे कितने होंगे, डायरेक्ट निकालो 2 क्योंकि ये लीप ईयर है। 2013 के ऑड डे कितना होगा, 1। 2014 का कितना होगा, 1। आगे दिन कितने बचे, 5। तो इसको मिटा देते हैं भैया, इसको मिटा देते हैं, इसको किससे डिवाइड कर दो, 7 से, 5 और 2 7, ख़त्म कर दो इसको, तो जो 7 है वो ख़त्म कर दो, 6 और 2 कितना बचा, 8। 8 बटे 7 कितना होता है, 1 रिमाइंडर। अब 1 रिमाइंडर मतलब 1 ऑड डे बचा, हफ्ते पूरे कंप्लीट हो गए, 1 ऑड डे बचा, तो संडे के बाद 5 जनवरी को आपका क्या होगा, मंडे होगा। 5 जनवरी को क्या होगा, मंडे। तो कोई भी क्वेश्चन आप किस हिसाब से भी निकालें, अगर मेरा सेशन पूरा देख लेते हैं तो मेरी गारंटी है कि कभी भी जिंदगी भर आपको दिक्कत नहीं आएगी। और क्वेश्चन ले लेते हैं, चलिए और क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन क्या, अब हम थोड़ा सा और कंसेप्ट लेते हैं, ठीक है। तो बहुत आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों को सारा सेशन मज़ेदार लग रहा होगा और समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हम भी पसीनम पसीने हो गए तो तुम भी पसीनम पसीने हो जाओ, इतनी मेहनत करो कि कुछ भी ना नज़र आए तुम्हें, ठीक है। 7 मार्च 2011 को मंडे है तो 5 जनवरी 2011 को क्या होगा। अब तो फंस गए, मैंने अब तो पीछे का दिन पूछ लिया, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, वैसे का वैसा ही लिखेंगे हम। 5 जनवरी है, पहले 5 जनवरी लिख लो और फिर चले जाओ किस पे, 7 मार्च पे, अपना ही क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। 5 जनवरी वही का वही निकाल लो, तुम दिन निकाल लो कितने हैं इसमें, तुम्हारी इच्छा जो है वो दिन निकालने की है, दिन निकाल लो। 2011 ये ध्यान रखना लीप ईयर है या साधारण साल है, साधारण साल है, वो बात हमेशा याद रखनी होती है, पहले देखो साधारण वर्ष है या नहीं। तो 5 जनवरी 31 में से 5 गया, कितना रह गया भैया जल्दी बोलो, 31 में से 5 गया, ये 5 चला गया, 5 घटा दो आप 5 जनवरी से, सीधा ही वही लेके चलो, 31 में से 5 गया, कितना रह गया, 26, ठीक है, 26 ना रह गया। अगला 2011 है तो 29 दिन नहीं होंगे फरवरी में, कितने दिन होंगे, 28 दिन लिख दो, ऑड डे बाद में लिख लेंगे। आगे कितना है, 7 मार्च, 7 दिन ये रहे, ठीक है, 7 दिन ये रहे, निकालो क्या होगा, 7 से भाग, 7 से ये भी भाग होता है छोड़ दो इसे, 7 से ये भी भाग होता है छोड़ दो इसे, 7 चौक 28 0 0 बचेगा यहाँ तो, लेकिन 7 से 26 नहीं भाग होता ना, कितना होता है, 7 चौक 28 7 3 21 कितने ऑड डे आते हैं, 5 ऑड डे आते हैं, कितने ऑड डे आते हैं भाई, 5 ऑड डे आते हैं, 5। अब 5 ऑड डे आते हैं, क्या आते हैं भाई, 5 ऑड डे आते हैं, तो आप मंडे के आगे ना बढ़ के आप पीछे चले जाओगे, बस और कुछ नहीं करना, अब आपने कुछ नहीं करना, 5 ऑड डे आ गए तो आप मंडे की जगह आगे नहीं जाओगे, कहाँ जाओगे, पीछे। मंडे से पहले वाला दिन क्या होगा, 5 दिन पीछे जाना है, तो मंडे से पहले वाला दिन क्या होगा, जल्दी बोलो, मंडे से पहले वाला दिन होगा संडे, संडे से पहले वाला दिन क्या होगा, सैटरडे, सैटरडे से पहले वाला 1 2, संडे सैटरडे, फिर फ्राइडे, फिर फ्राइडे से पहले वाला दिन क्या होगा, संडे सैटरडे फ्राइडे थर्सडे, और थर्सडे से पहले वाला 1 2 3 4, फ्राइडे थर्सडे वेडनेसडे, तो क्या होगा, वेडनेसडे। तो 5 जनवरी 2011 को क्या होगा, तो 5 जनवरी 2011 को क्या होने वाला है, वेडनेसडे, ठीक है। जब आप मतलब 7 मार्च से 5 जैन पे जा रहे हो तो पीछे की तरफ चल पड़ना 5 दिन, ठीक है, नहीं तो आगे चल पड़ना, बस इतनी ही कहानी याद रखना, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, यूं का यूं है, कुछ भी नहीं करना। 5 जनवरी था, 31 में से माइनस कर दिया, 26 फरवरी के 28 दिन 7, 7 से 7 कैंसिल, 28 भी कैंसिल, 0 0 ऑड डे, 5 ऑड डे बचा, 5 ऑड डे निकाल दिया, 5 ऑड डे पीछे ले जाओ, संडे सैटरडे फ्राइडे थर्सडे वेडनेसडे, 5वें दिन पर आकर रुक जाओ। बोलो समझ में आया नहीं आया मेरे यार,
समझ में तो आ गया होगा ना सारा मेरे मित्र। ठीक है मेरे बच्चे, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत मेहनत लगती है सेशन बनाने में, सेशन को डिक्टेट करने में। तो आप लोगों से मैं एक ही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। अब एक थोड़ा सा लीप ईयर का, ये तो एक क्वेश्चन हो गया तो आपको क्लियर ही हो गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अच्छे से कर लें। ठीक है, इस चीज़ को बड़ा अच्छे से बता दिया है, एक ही क्वेश्चन बहुत है ये करा हुआ कि माइनस करना है, प्लस करना है, ऑड डे आपको पता चल गया। अब हम सिर्फ बात करते हैं फरवरी मार्च यानी कि 2012 की, 5 जैन 2020 को अगर मंडे है तो 5 मार्च 2020 को क्या होगा, क्या होगा बताओ रे बताओ बच्चा बताओ क्या होगा, कुछ नहीं है। 5 को 31 में से माइनस कर दो फटाफट, 26 बच गया। अगला 2020 है भैया, 2020 है तो 29 लिखना, 28 मत लिखना, आगे कितने दिन हैं, 5 दिन 7, ऑड डे लिखो फटाफट। ये 21 पे कटता है 5, ये 7 चौक 28 पे कटता है 1, ये कटता ही नहीं है तो 5 5 और 1 6 और 5 11, दोबारा 7 से भाग कर दो तो 7 एकम 7, दिन कितना बच गया भैया, 7 और 4 बच गया, तो 4 बच गया तो मंडे है, तो मंडे के बाद फटाफट लिख लो, मंडे के बाद ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, तो आंसर क्या होगा, 4 लिख के फ्राइडे लिख दें। ठीक है, कंफ्यूज नहीं, बिल्कुल क्लियर कर दो बच्चा, 1 तारीख को अगर मंडे है तो 8 को भी मंडे होगा, 1 को इंक्लूड मत करना, कहीं 7 दिन गिन लो बोला 7 दिन बाद तो संडे आ गया, नहीं, 7 दिन के बाद, उस दिन के 7 दिन के बाद क्या होगा, सेम डे रिपीट होगा, मतलब 8 तारीख आ जाएगी। तो ये बात याद रखना, कंफ्यूज कभी मत होना, और मेरे दोस्त मेरे मित्र मेरे बच्चों मेरे प्यारे, ये काम करते रहो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन अगर आप चाहो तो अब आप बहुत आसानी से बना सकते हो। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है चलिए करते हैं, करते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, करें, करिए, बोलो सर करिए करिए। तो आप मुझे एक बात बताओ, 5 जनवरी 2020 को मंडे है तो 5 जनवरी 2021 को क्या होगा, बताइए ना। अब 5 5 तो ठीक है सर, आप बोले थे कि 5 जनवरी है तो 5 जनवरी है तो एक दिन फालतू हो जाएगा, 5 जनवरी 5 जनवरी, 5 और 4 देता हूँ तो सेम, लेकिन 5 जनवरी और 5 जनवरी है तो इसका मतलब क्या, एक दिन बढ़ गया, तो मंडे ट्यूसडे, लेकिन यहाँ 2020 है, ध्यान रखना लीप ईयर है, ये 2 दिन फालतू होंगे, तो सीधी सी बात है भैया, 5 जनवरी 2020 को मंडे है तो 5 जनवरी 2021 को क्या होगा, 5 जनवरी 2021 को 2 दिन जोड़ दो, 2 डे जोड़ दो तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे होगा। ठीक है, क्यों होगा ये बात आपको पता है, क्योंकि 5 जनवरी से 5 जनवरी 2021 की बात कर रहा हूँ, तो 5 से 5 वैसे तो एक दिन फालतू होना चाहिए, क्योंकि ये साधारण वर्ष नहीं है, लीप वर्ष है, इसीलिए एक साल जुड़ जाएगा, एक दिन जुड़ जाएगा, और आपके 2 ऑड डे बनेंगे, कितने ऑड डे बनेंगे भाई, 2 ऑड डे बनेंगे, अब 2 ऑड डे बनेंगे तो वेडनेसडे आ जाएगा। ठीक है, मुझे तो क्लियर हो गया है, आप लोगों को भी आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा, ये बात याद रखना, 5 जनवरी 2021 और 5 जनवरी मतलब आपको कभी भी वर्ष लेना है तो 5 जनवरी 5 जनवरी तो एक दिन फालतू बस। ठीक है ना, तो जैसे एक क्वेश्चन और कर लो भैया, चलो फटाफट, 5 जनवरी 2019 को क्या है, 5 जनवरी 2019 को मंडे है, क्या है, मंडे है, तो आप मुझे निकाल के दाओ, दिखाओ 10 जनवरी, नहीं 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 10 जनवरी ज़्यादा छोटा हो जाएगा, आप मुझे निकाल के दिखाओ 25 फरवरी 2020 को क्या होगा, निकालो निकालो फटाफट 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 फटाफट, 5 जन तो 5 जन पे आ जाओ फटाफट, 5 जन 2020 को क्या होगा, मैंने बताया मंडे,
तो एक दिन फालतू हो जाएगा, क्या हो गया? ट्यूसडे। 5 जन 2019 को अगर मंडे है तो 5 जन 2020 को कितना होगा? कितना होगा? ट्यूसडे। हर साल एक और डे बढ़ जाता है, 365 दिन गिनोगे तभी। लेकिन अगर 5 जन का 4 जन दिया होता तो मंडे का मंडे ही रहता। 5 का कितना 4 देता मैं तो मंडे का क्या रहता? मंडे ही रहता। तो याद रखना 5 जन 2020 को क्या हो गया? ट्यूसडे। अब निकाल लो 25 का, तो 5 जन 31 में से माइनस किया कितना हुआ? 26। और आगे दिन कितने हैं? 25। 7 से भाग कर दो कितना आता है ऑड डे? 5 आता है। कितना आता है ऑड डे? 4। यस, तो 5 और 4 कितना होता है? 9। 7 से भाग कर दो तो 2 ऑड डे आता है। तो 2 ऑड डे आता है तो ट्यूसडे क्या होगा? वेडनेसडे। और फिर क्या होगा? थर्सडे। क्या होगा? थर्सडे। तो 25 फरवरी को क्या हो जाएगा? थर्सडे। ठीक है, तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। लास्ट क्वेश्चन एक बड़ा सा बना लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद इस सेशन को फिनिश करते हैं। सेशन बहुत बड़ा हो गया है बेटा, इतनी उम्मीद नहीं की थी कि सेशन हम इतना बड़ा कर देंगे, ठीक है। और सेशन बड़ा हो ही गया है तो फिर आप थोड़ा सा एक क्वेश्चन और कर लें लास्ट जाते जाते, कभी नहीं भूलोगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलो 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 चलिए 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 10 जन 2011 को, 2011 को मंडे है तो 15 जन ना लिखें आप, लिखें 15 मार्च 15 मार्च 2015 को क्या होगा? कुछ नहीं करना, पीछे जाना है तो लिखना वही है, माइनस कर देना है बस, और कुछ नहीं करना बेटा, बस ये बात याद रखना, और कुछ भी नहीं है भैया, और कुछ भी नहीं है। निकालना वैसे कि वैसा है क्वेश्चन। चलो 10 जनवरी 2011 को मंडे है, ठीक है, 10 जनवरी 2011 को मंडे है। एक तो तरीका आपके पास है कि इस साल के अंदर आप जनवरी तक चले जाओ, ठीक है, दोनों तरीकों से क्वेश्चन करते हैं और आपको उम्मीद करता हूं कि अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। अब 10 जनवरी को है तो आपको पता है एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 365 दिन। 365 दिन में से 10 दिन उड़ा दो, 2011 लीप वर्ष नहीं है, 10 दिन उड़ाया तो कितना बना? 3355 बन गया, ठीक है, 355 दिन बन गए। चलिए अगले साल 2012 है तो वो क्या होगी? कितने ऑड डे मैंने बताए थे साल के, इसमें तो 10 दिन आपको दे दिए थे ना, तो हम डायरेक्ट ऑड डे नहीं लिख सकते जब तारीख ना दी रही है। पूरा एक साल का 2012 का ऑड डे कितना होगा? 2 ना होगा। 2013 का ऑड डे कितना होगा? 1 ना होगा। 2014 का ऑड डे कितना होगा? 1 ना होगा। लेकिन 2015 में आप फिर पहुंच गए हैं। अब 2015 में पहुंच गए हैं तो जनवरी का ऑड डे लिखें। जनवरी का ऑड डे कितना होगा? 3 ना होगा, 31 है। 2015 ऑड क्या नहीं है? 2015 क्या नहीं है? लीप वर्ष नहीं है। अब लीप वर्ष नहीं है तो फिर 2000 फरवरी में कितना ऑड डे होगा? 0, 28, ठीक है, ध्यान रखें। और उसके बाद मार्च कितना दिन दे दिया? 15 मार्च दे दिया। कैसे भी निकाल सकते हैं आप इसे, ठीक है, दोनों तरीकों से मैं आपको बता देता हूं। 10 जैन था, पूरे साल में 365 दिन होते हैं, उसमें से 10 उड़ा दो कितने बन गए? 355 दिन बन गए। 7 आ गया, अब यहां से 7 से काटिए, ऑड डे निकालिए, 7 × 5 = 35, 5 ऑड डे आ गया। 2 और 1 = 3, 3 और 3 = 6, 6 और 1 = 7, ये तो काट दो, ठीक है, कितना बचा? 15। 15 में ऑड डे बैठता है 1, 5 और 1 कितना हो गया? 6। अब 6 बैठ गया तो मंडे के बाद 6 दिन जोड़ दो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है, कितना आ गया? संडे। अब एक तरीका तो ये था कि आपने निकाला साल का, आपको पता है, देखो जब आपको 10 जनवरी 1 जनवरी 2 जनवरी दे दी जाए तो आप उसका ऑड डे निकाल लो, दिन निकाल लो, तो आप करके क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। 10 जनवरी था तो मुझे पता था 355 दिन होते हैं क्योंकि 365 दिन थे। अगला साल था लीप ईयर तो उसके लिए 2 लिखा सीधा, 2000 किसके लिए?
2012 के लिए दो लिखा, 2013 के लिए एक लिखा, 2014 के लिए फिर एक लिखा, लेकिन 2015 में जब आप पहुंचे, अब 2015 में पहुंचे हो तो पहला जनवरी, जनवरी का कितना होता है ऑड डे? 3 होता है। फरवरी का कितना होता है? 0। और मार्च के दिन कितने हैं? 15। ऑड डे नहीं है फिर 7। तो हमने इसको डिवाइड किया तो 7 × 5 = 35, 5 ऑड डे आया। और 2 और 1 = 3, 3 और 1 = 4, 4 और 3 = 7, तो खत्म ही कर दो, 0 15 बचा, क्योंकि 7 से पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा ये। तो 15 7 से किया तो 7 × 2 = 14, 1 बचा, 5 और 1 = 6 और संडे। ठीक है, अब एक तो तरीका ये है, ठीक, एक तरीका और समझ लो भैया कि आप कहाँ चले जाओ, जनवरी पर ही जाते जाओ। अब 10 जनवरी 2011 को मंडे है, ठीक है, तो 10 जनवरी 2012 को क्या होगा? अभी फरवरी नहीं आया, ये बात याद रखना, तो एक ही दिन फालतू होगा। ठीक है, तो कितना होगा मंडे के बाद, कितना हो जाएगा, वो ट्यूसडे हो जाएगा। 10 जनवरी 2013 एक दिन फालतू था, क्योंकि 2012 लीप वर्ष है, तो 2013 के लिए 366 दिन बैठ जाएंगे, तो दो, तो ट्यूसडे के बाद क्या आ जाएगा, ये मंडे आ गया, फिर ट्यूसडे आ जाएगा, फिर वेडनेसडे और फिर थर्सडे, तो ये दिन क्या बैठेगा 2013 में, क्या बैठेगा? थर्सडे बैठेगा, डायरेक्ट निकाल रहा हूँ मैं। ठीक है, जनवरी का निकाल लेते हैं 14, और 10 जनवरी 2014 को क्या बैठेगा, थर्सडे के बाद फ्राइडे बैठेगा, थर्सडे के बाद क्या बैठेगा, फ्राइडे। अब 2015 में चले जाओगे तो क्या बैठेगा, फ्राइडे के बाद सैटरडे, क्या बैठेगा, सैटरडे। 10 जनवरी में चले गए, ठीक है, 2015 10 जनवरी आ गए आप, अब 2015 10 जनवरी आ गए तो कितने दिन हुए, अब 31 में से 10 माइनस किए कितना हुआ, 31 में से 10 माइनस किया तो 21 हुआ, ठीक है, प्लस 28 0, और फिर कितना बैठेगा, 15 दिन। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखो, आप 10 जनवरी 2015 का निकाल लिए हो, एक एक दिन फालतू करके निकाल लिए हो, 10 जनवरी 2015 को कितना बैठेगा, 10 जनवरी 2015 को कितना बैठेगा, सैटरडे है तो 10 जनवरी 2015 को सैटरडे है, ठीक है, तो 31 में से आप 10 माइनस करो, कितना बैठा, 21, अच्छा 21 दिन ये हो गए, मार्च तक जाना है आपको, फिर फरवरी का तो 0 होता है ऑड डे, और ये कितना बैठा, 15 दिन, 7 से भाग करो, ये तो पूरा भाग हो गया, 0 0, ये एक ऑड डे आया, जब एक ऑड डे आया तो सैटरडे था तो संडे, तो हमने उस ट्रिक से भी संडे निकाला था और इससे भी संडे निकाला, तो 15 मार्च 2015 को क्या होगा, संडे। तो आप किस तरीके से ही निकाल लो, इन हिंट्स को आप करते रहें कि याद रखें कि 10 जनवरी 2011 को मंडे है, तो 10 जनवरी 2012 को क्या होगा, मंडे ही होगा, लेकिन 10 जनवरी 2012 और 10 जनवरी 2013 की बात करता हूं मैं, ये देखिए, इसको देखिए, 10 जनवरी 2012 को मैं मंडे देता हूं, तो 10 जनवरी 2013 को क्या होगा, 2012 क्या है, एक लीप वर्ष, फरवरी अभी आएगी, फरवरी आएगी तो फरवरी का एक दिन फालतू हो जाएगा, तो 2013 को वैसे तो मैं एक दिन फालतू करता था, लेकिन अब मुझे कितने दिन फालतू करने हैं, दो दिन फालतू करने हैं, मंडे तो ये ट्यूसडे हो गया, और क्या हो गया, वेडनेसडे, तो इस दिन क्या होगा, वेडनेसडे। तो अब आप इस लास्ट ट्रिक जो है लिखते जाएं फटाफट, इस चीज़ को लास्ट में मैं इंक्लूड करवा देता हूं, इन चीज़ों को सारों को फटाफट, ठीक है, तो सेशन ख़त्म हो गया, क्लियर, आप किस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ठीक, तो याद रखें 10 जनवरी 2011 को मंडे है, तो 10 जनवरी 2012 को क्या होने वाला है, एक दिन फालतू, कितना, ट्यूसडे, ठीक है, वन डे, ठीक है, इंक्रीज, क्लियर, एक दिन इंक्रीज होगा, लेकिन 10 जनवरी 2011 को मैं संडे देता हूँ तो 9 जनवरी को क्या होगा, 9 जनवरी 10 से 9 क्या है, पूरे 365 दिन हैं, सॉरी 364 दिन हैं पूरे, तो इसीलिए 9 इंक्रीज संडे ही होगा, ठीक है, 1 जनवरी 2011 को संडे या मंडे है,
तो 31 दिसंबर 2011 को क्या होगा? मंडे ही होगा। तो ये बात ठीक है, ई बात और ई बात आप हमेशा याद रखें, ठीक है, कि जनवरी 2011 को देख रहे हो संडे है तो 9 जनवरी को भी संडे ही होगा, 1 जनवरी 2011 को मंडे है तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा? मंडे ही होगा। आई होप सारा सेशन समझ में आ गया, बहुत बड़ा सेशन हुआ हुई गवारे, तो मेहनत करो सारी, ठीक है, आज बहुत कर दिए हैं, आज 1 घंटे की वीडियो बना दिए हैं, मेहनत करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ।